हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब एमटेक कोई आईआईटी से एमटेक करता है तो उसके बाद कितने की प्लेसमेंट हो जाती है, और प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है, और किस किस टाइप की कंपनी में प्लेसमेंट हो जाती है, और कितनी सैलरी रहती है। तो ये मैं अपनी खुद की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। जब मैंने एमटेक की थी आईआईटी रुड़की से, उसके बाद जो प्लेसमेंट हुई थी तो वो सीनियर इंजीनियर की हुई थी। एक प्रेशर वेसल मेकिंग कंपनी थी, उसमें ये प्लेसमेंट हुई थी। तो वहां के बाद जो सैलरी स्लिप है वो, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, और ये कैसे डिफरेंट है आपकी पीएसयू की सैलरी स्लिप से, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत लोगों को ये डाउट है कि क्या एमटेक के बाद आईआईटी से प्लेसमेंट होती है। तो मोस्टली लोगों की प्लेसमेंट हो जाती है, जो ट्राई करते हैं, जो जिनकी कहेंगे सीजीपीए अच्छी होती है तो उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, और जो दूसरे ही एरिया में ट्राई करते हैं तो वो फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो लोगों की जो प्लेसमेंट चाहते हैं उनकी हो ही जाती है, और अगर उनकी ब्रांच सही है तो। मतलब अगर ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, अगर ब्रांच सही है मोस्टली, जैसे अगर मैकेनिकल की बात करूं तो डिजाइन से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, रोबोटिक्स जो नए फील्ड है, उसमें प्लेसमेंट हो ही जाती है। तो अगर हम इस सैलरी स्लिप की बात करें इस वीडियो में, तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि मैंने बताया था कि जो सैलरी मिलती है, सैलरी में बेसिकली तीन कंपोनेंट रहते हैं। तीन कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट रहता है, उसके बाद एक आपका इंक्रीमेंट का कंपोनेंट या डीए, जिसको गवर्नमेंट जॉब्स में बोलते हैं। यहाँ पर डीए का कंपोनेंट नहीं रहेगा, ये आपका इंक्रीमेंट ईयरली होगा, जो कि कई बार ज्यादा भी हो सकता है। 3% का जो गवर्नमेंट या पीएससी जॉब में रहता है उससे 3% से बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ईयरली होता है ये। और फिर तीसरे कंपोनेंट रहता है वो आपका अलाउंसेस रहते हैं। तो आप एक चीज अगर यहाँ इस सैलरी स्लिप में देखेंगे, सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी दिख रही होगी। तो बेसिक सैलरी आप देखिए कि 15,330 रुपए बेसिक सैलरी यहाँ पे कम है, लेकिन आप जब गवर्नमेंट जॉब्स या आप पीएसयू की जॉब में देखेंगे तो आपको बेसिक सैलरी ज्यादा मिलेगी। यही एक कंपोनेंट है जो फर्क डाल देता है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पे होनी है। और सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है पीएफ, आपका जो कटना है पीएफ और पेंशन का जो कंपोनेंट है वो बेसिक पे कटेगा। अब आपका जितना जितना आपका बेसिक ज्यादा रहेगा उतना ही आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी होगा, और उतना ही कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर आपका तो कटा बेसिक, कंपनी को इतना कंट्रीब्यूट करना है, तो कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज वो कंपोनेंट बचाने के लिए आपका बेसिक कम रखती है। सैलरी आपको अच्छी देंगी लेकिन बेसिक आपका कम ही रखेंगी, बहुत सारे अलाउंसेस उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो बेसिक है वो 15,330 रुपए था। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट अगर देखेंगे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, 6,000 रुपए। ये एक अलाउंस है एक टाइप का, जो कि ये मतलब ये अलाउंसेस की कैटेगरी में आ गया। फिर देखिए आप अलाउंसेस आपके बढ़ा के आपकी सैलरी को बढ़ा दिया गया है, लेकिन बेसिक आपका कम ही। फिर आपका स्पेशल अलाउंस एक हो गया, ये समझ लो 2,300 रुपए ये हो गया। फिर ये भी एक टाइप का अलावेंस, सीसी अलावेंस, ये भी एक टाइप का अलावेंस है। फिर एक स्पेशल अलावेंस 3,500, फिर एक एडहॉक अलावेंस 1,5,000, एडहॉक अलावेंस 5,000, फिर एक सिटी का अलावेंस दे दिया 5,500, फिर एक कन्वेनेंस अलावेंस दे दिया यानी व्हीकल से रिलेटेड, फिर आपका एक फ्यूल रिएम्बर्समेंट, मतलब बहुत सारे अलावेंसेस इसमें ऐड कर दिए। तो इस तरह से ये जो ये नेट सैलरी बनी है, मतलब ये ग्रॉस सैलरी जो बनी है 46,000 बनी है। ये बहुत पहले की है, 2017, उस टाइम पे आपकी अगर आप पीएसयू में भी देखेंगे तो सैलरी कम आती थी। उसके बाद एक पेस जो जो एक पे रिविजन लगा है, थर्ड पीआरसी लगा, उसके बाद से पीएसयू की सैलरीज बढ़ी है। तो 46,000 उस टाइम में ग्रॉस सैलरी अच्छी सैलरी थी। अगर यहाँ पे हम डिडक्शन की बात करें तो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% बेसिक, यहीं पे देखो फर्क आ जाता है। ये क्या है, ये आपका बेसिक पे कटने वाला, ये आपकी बेसिक पे कटने वाली एक तरह से सैलरी है। अगर आपका बेसिक ज्यादा होता तो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता, और उतना ही कंपनी को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता। तो कंपनी को उतना कंट्रीब्यूट करना पड़ता तो इसका मतलब कंपनी पे एक टाइप का वो एक्स्ट्रा बोझ था। तो कंपनी ने उसको बचाने के लिए क्या कि आपका बेसिक कम कर दिया लेकिन सैलरी ठीक रखी। फिर एक हो गया आपका प्रोफेशनल टैक्स, ये 200 रुपए। फिर इनकम टैक्स आपका कटा 1,000 रुपए मान लीजिए। फिर कैंटीन डिडक्शन एक टाइप से, अगर आप खाना कैंटीन में खाते हैं, सब्सिडाइज खाना रहता है, वो एक हो गया। फिर आपका टेलीफोन कंपनी ने दिया हुआ है तो उसका बिल एक तरीके से। फिर डेथ रिलीफ का एक कटता है, अगर डेथ हो जाती है तो आपको कुछ बाद में कुछ अमाउंट मिलती है। फिर एक क्लब डिडक्शन होता है 100 रुपए का। तो ये सारे क्या हो गए, डिडक्शन हो गए। तो डिडक्शन कितने हो गए, लगभग 4,000। तो आपकी नेट अर्निंग कितनी आई, 42,278 रुपए आई।
तो आप यहाँ पे देखेंगे एक चीज, अगर आप देख रहे होंगे तो एक चीज आपको पता लग रही होगी कि आपकी टोटल सैलरी देखिए 46,000 है ग्रॉस सैलरी, आपके डिडक्शन सिर्फ 4,000 है। यही अगर एक पीएसयू होती तो आपकी ग्रॉस सैलरी और नेट अर्निंग में बहुत फर्क रहता। क्यों फर्क रहता? एक तो आप हायर ब्रैकेट में जाएंगे तो आपका टैक्स ज्यादा कटेगा, दूसरा आपका पीएफ ज्यादा कटेगा, आपकी पेंशन ज्यादा कटेगी, तो उस कारण से आपकी नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी में बहुत फर्क रहता है इन केस ऑफ पीएसयू। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में आप देखेंगे आपकी बेसिक सैलरी कम होने की वजह से आपकी ग्रॉस सैलरी और नेट अर्निंग में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इतनी मतलब आप इसको क्या समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि लगभग 6 लाख के आसपास का ईयरली पैकेज आईआईटी से अगर किसी ने एमटेक की है तो ये लग जाता है। ये एक एवरेज है, मतलब ये एक तरह से आप इसको एवरेज समझ सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा भी सैलरी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कम ही है, इससे कम भी हो सकती है और इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ये सब चीज आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है, किस कंपनी में आप जा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, फिर आपकी जो आपका सीजीपीए है, ये इन सब चीजों पे ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। आपकी सैलरी, आपकी जो पैकेज है, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, 12-12 लाख, 13 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख तक भी हो सकता है, कि ब्रांच पे ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो यही था इस वीडियो में, इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।